हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्मार्टली बाय एस इंस्टीट्यूट माय नेम रवि अग्रवाल आज हम बैंकिंग एवरीवेस के पड़ाव को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और हम बात करते हैं पार्ट थ्री देखिए अगर आपने इससे पहले हमारे पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखे हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन सेक्टर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम एक माह का क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है राइट मेन्स एग्ज़ाम में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन हमारा फर्स्ट हमारा बी पी एस एस बी पी एस एस होता क्या है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविज़न ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम देखिए सेटलमेंट सिस्टम होता क्या है पहले वो समझ लीजिए ये एक भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की उप समिति देश में भुगतान प्रणाली पर नीति निर्माण करने वाली एक सर्वोच्चतम संस्था है राइट इस सब कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द हाइएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑन पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री राइट ये जितने भी पेमेंट सिस्टम है उनकी सर्वोच्च बॉडी है राइट नंबर टू हम नेक्स्ट बात करते हैं सी जी एफ टी एम एस सी राइट बेसिकली ये जो स्कीम है है ना या एंटरप्राइज जैसे आप देखिएगा इसकी मैं ऑलरेडी बात भी कर चुका हूँ इसके कुछ कुछ पार्ट की क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज माइक्रो एंड स्मॉल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिकली ये जो आपका एंटरप्राइजेज है जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी टू थाउजेंड में लॉन्च की गई थी राइट ये याद रखिएगा ये होता क्या है जितने भी हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है ना भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको हम सिडवी के नाम से जानते हैं सिडवी का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके द्वारा एक स्टार्ट किया गया एक ट्रस्ट है गॉट इट माई पॉइंट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ आई एम एम डी ए राइट एफ आई एम एम डी ए स्टैंड फॉर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरीवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया राइट बेसिकली दिस इज द एसोसिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक Financial institution and primary dealer, a voluntary market body for the bond, money and derivative markets. Got it? Now next hum baat karte hain DRI. DRI stand for deferred rate of interest, right? Deferred rate of interest के लिए stand करता है DRI. आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि DRI में R किसके लिए stand करता है, right? So आपको पूरा full form याद होना चाहिए. चलिए आगे हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ए एन बी सी ए एन बी सी इज स्टैंड फॉर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट राइट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है क्या ये समझ लीजिए राइट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इट इज़ द नेट बैंक क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंक इन नॉन एसएलआर एल बॉन्ड हेल्ड इन देल्ड टू मैचोरिटी कैटेगरी और क्रेडिट इक्वलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर राइट विच एवर इज हायर जो भी आपका दोनों में से ऊंचा रहेगा उसमें होता है ये राइट right? नेक्स्ट हम बात करते हैं ए आर सी ए आर सी इज स्टैंड फॉर असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी इज स्टैंड फॉर ए आर सी राइट मैंने देखिए स्टूडेंट दो चीज़ें छोड़ी हैं नंबर फर्स्ट फोर्टी फोर में मैंने आपको डी आर आई के बारे में नहीं बताया और नेक्स्ट में अभी आपको ए आर सी ये दोनों आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों का मतलब क्या होता है फिर मैं चेक करूँगा द नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि कौन राइट right है और कौन रॉन्ग है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यू एम ए डब्ल्यू एम एज स्टैंड फॉर वेज एंड मीड एडवांस वेज एंड मीड एडवांस क्या है ये समझना आपके लिए फिर से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को दी गई एक अर्जेंट ऋण सुविधा है यानी लोन फैसिलिटी है ये राइट इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा जिससे सरकार को राजस्व एवं व्यय के बीच की खाई को तत्काल रूप से पाटने में सहायक होती है राइट बेसिकली मैं आपको फिर से बता देता हूँ अंडर द क्रेडिट पॉलिसी टू प्रोवाइड द स्टेटस बैंकिंग विद इट राइट इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा आपके लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ए एम सी देखिए ए एम सी की फुल फॉर्म बहुत सारी होती हैं है, है ना लेकिन यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रहेगा आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी राइट असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है यह एक ऐसी कंपनी है जो अपने ग्राहकों के पूल किए गए फंडों को पृथ्वी जैसे म्यूचुअल फंड इक्विटी में निवेश करने में सहायता करती है राइट right? जो भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी होती है उसमें इन्वेस्ट करने में आपको हेल्प करती है असेट मैनेजमेंट कंपनी राइट होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है आई आई एफ सी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड असेट्स मैनेजमेंट सर्विस टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर राइट नेक्स्ट हमारा यू पी आई स्टूडेंट्स ये आपको बहुत फ्रेंडली लग रहा है नाम यू पी आई आप यूज करते हो बेसिकली कोई भी अगर आप पेमेंट करते हो आप कई यू पी आई लिंक यूज़ करते हो तो यू पी आई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस राइट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए काम किया जाता है और एक एक क्या कर सकते हैं हम ऐसे कई बैंक अकाउंट्स को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अमाउंट ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है बेसिकली यू का यही काम होता है राइट right? चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा यू एस एस डी यू एस एस डी स्टैंड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा देखिए ये होता है क्या है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा बेसिकली इसमें किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती नंबर फर्स्ट और इसमें जो भी कोड होते हैं वो स्टार से स्टार्ट होकर हैश टैग पर ख़त्म हो जाते हैं राइट बेसिकली आप मोबाइल में बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं जो आप डायरेक्ट डायल करते हैं जहाँ पर किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती जैसे बैलेंस चेकिंग आप करते हैं आपका वैलिडिटी आप चेक करते हैं स्टार हैश टैग लगा के या आप अपने मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं राइट मैन्युफैक्चरिंग uh, डेट तो ये तो उस तरह के सारे कोड होते हैं गॉट इट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्टी टू ए पी बी एस ए पी बी एस इज स्टैंड फॉर आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम गॉट इट आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम बेसिकली ये जो सिस्टम है वो आधार नंबर इस यू आई डी आई एंड आई आई एन राइट याद रखिएगा आई आई एन आई आई एन इज़ स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इस्यूड बाई एन पी सी आई चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी ओ पी आर ए सी ओ पी आर ए स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है बेसिकली ये जो ग्राहक होते हैं मतलब हमारे जो ग्राहक होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर नाइनटीन एटी सिक्स को ये संरक्षण जिसकी बात कर रहे हैं हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं ये पारित हुआ था गॉट इट नेक्स्ट बात करते हैं आर टी आई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए बेसिकली ये जो एक्ट है वो फिफ्टीनथ जून 2015 सॉरी फिफ्टीन जून 2005 15 जून 2005 को लागू किया गया था लेकिन फुल्ली फ्लैश ये ट्वेल्थ अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया था राइट इसमें सूचना का अधिकार होता है इसमें सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है राइट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेसिकली किसके लिए होता है सूचना का अधिकार होता है गोटेड गॉटेड स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं सी पी सी सी पी सी इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है राइट जिसके प्रभारी मंत्री हमारे अध्यक्ष होते हैं राइट केंद्र सरकार के जो भी प्रभारी मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होते हैं बेसिकली राइट नेक्स्ट हम बात करते हैं सी सी आई एल सी सी आई एल इज स्टैंड फॉर क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर ई आर ए आर ई आर ए आपने सुना होगा रेरा रियल इस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी राइट बेसिकली ये 2016 में भारत की संसद का एक अधिनियम है राइट 2016 राइट जिसमें क्या होता है आपको जो भी प्रॉपर्टी ये जो भी घर खरीदते हैं उसके आपके हितों की रक्षा करता है बेसिकली और यह बिल राज्यसभा द्वारा टेंथ मार्च 2016 को और लोकसभा में फिफ्टींथ मार्च 2016 को पारित किया गया था गॉट इट आगे बात करते हैं आई बी बी आई आई बी बी आई स्टैंड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करपसी बोर्ड ऑफ इंडिया नेक्स्ट आगे बात करते हैं पी एफ एम एस पी एफ एम एस स्टैंड फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पी एफ एम एस स्टैंड फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली होता क्या है केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली भारत सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार की एक पहल है जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रमों की निगरानी करती है गॉट इट नाउ लास्ट एंड फाइनल इज पी सी ए पी सी एज स्टैंड फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन राइट पी सी एज स्टैंड फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन राइट सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर से बताइएगा अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा राइट right? यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं आप इनके आंसर्स भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा राइट होप यू एंजॉय दिस सेशन Thanks for watching. Thank you so much.